वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज बात करते हैं अरमान मलिक की तो आप लोग जैसे ही जानते हैं कि सबसे फेमस यूट्यूबर है अरमान मलिक एक तो यूट्यूबर है इसलिए फेमस है दूसरे दो वाइफ के लिए फेमस है और तीसरे काफी सा, सारे विवादों से उनका नाता रहा है इसलिए भी वो फेमस है तो चलिए Uh, किसी भी कारण से है लेकिन फेमस है तो आ, इन्होंने कुछ नया इंसिडेंट कर कर दिया है जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वो पायल के साथ टूर पे हैं इंडिया टूर पे हैं पूरा इंडिया वो घूमने घूम गुम रहे हैं और उन्होंने अपनी जो वैन बनाई है मॉडिफाइड की हुई है वो मॉडिफाइड वैन के साथ ही मतलब उसी में वो घूम रहे हैं अब एक इंसिडेंट ये सामने आया है कि वो एक हाथी पर सवारी करने के लिए गए थे उन्होंने हाथी के कान मरोड़ के उसके ऊपर चढ़ के वो बैठे थे ऐसे तो ये बहुत डॉग लवर बनते हैं सारे जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं वो डॉग डॉग्स बहुत करते हैं डॉग्स को फिट कराना रास्ते में स्ट्रीट डॉग्स को केयर करना और दूसरी चीज़ें उन, मतलब उनके खाने के लिए इंतज़ाम करना चोट लग गई खुजली हो गई घाव हो गया तो उनका इलाज कराना ये आजकल बहुत ज़्यादा इस समय इन लोगों ने वो बना रखा है बना हाइप बना रखा है चीज़ों को और उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा पेट लवर्स हैं और बहुत ज़्यादा आप बिजवान जानवरों की के केयर करते हैं और उसके बाद अगर ये चीज़ें करते हैं तो ये फैंस को पसंद नहीं आया है फैंस इनकी छोटी छोटी चीजें भी नोट करते हैं जिनके आप फैंस होते हैं तो होता क्या है कि वो इनकी छोटी छोटी चीजें भी नजर करते हैं जैसे कि अगर आ, कुछ भी इन्होंने किया छोटी मोटी हरकतें भी की तो वो फैंस की नज़र में आ जाती हैं कोई गरीब अगर गया है मिलने के लिए तो ये लोग नहीं मिलते हैं जिससे का नहीं मिलती है ये चीज़ भी फैंस जो है पॉइंट आउट करते हैं उनके कमेंट सेक्शन में आपको कई बार ये चीजें मिल जाएंगी बहुत लोग तारीफ भी करते हैं जो ऑब्वियसली पसंद करते हैं वो तारीफ भी करते हैं और पसंद किया हम लोग को भी सही लगते हैं उनकी दो वाइफ है तो वो झेल रहे हैं हम तो नहीं झेल रहे हमारे घर तो नहीं बैठे तो वो उनको झेलना है तो वो उनका पर्सनल लाइफ है वो दो शा, शादी करे चार शादी करे हम कह ही सकते हैं कि हाँ फलाने ने ये कर लिया वो कर लिया लेकिन कोई वो नहीं कर सकते इसमें कि ये गलत किया या सही किया जो चीज़ हमको गलत लग रही हो सकता है उनको सही लग रही हो तो इन्होंने इस चीज़ चीज़ों के लिए किया है और इसके लिए उन्होंने कोई भी अभी तक अपोलॉजी वाली वीडियो नहीं बनाई है ना माफ़ी मांगी है हाथी को गणेश जी का भगवान का रूप माना जाता है और, और मतलब हाथी को गणेश जी का रूप माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है कई जगह गणेश महोत्सव होते हैं विघ्न मतलब विघ्न विनाशक कहा जाता है और कई चीज़ें का विघ्नहर्ता कहा जाता है सब कुछ कहा जाता है तो इसलिए हम लोग कभी भी एक तो कोई भी बेजुबान के साथ नहीं करा जाता है नहीं करना चाहिए जो करते हैं वो गलत करते हैं और इन्होंने एक सोशल इन्फ्लुएंसर होके इस तरह की चीजें की हैं हम ये कहते हैं जब आप लोग जानते हैं कि आप लोग इन्फ्लुएंसर हैं आप लोग से इन्फ्लुएंस होते हैं लोग लड़कियाँ टीनेज जो उनकी कॉपी करती हैं की और की भी ड्रेसिंग सेंस की कॉपी करती हैं उन्होंने कुछ लिया है नया हैंड बैग लिया है कुछ भी है तो उनके लुक्स की भी कॉपी की जाती है इनके भी काफ़ी चीज़ें कॉपी की जाती हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स इनके साथ कोलाब्रेशन के लिए जाते हैं परेशान रहते हैं और आप लोग जानते हैं जब इतना इन्फ्लुएंसर का आप लोग का वो है नाम है तो आप लोग को ऐसी चीज़ें इन्फ्लुएंस करनी चाहिए जिससे आप लोग के ऊपर उंगली ना उठे लेकिन वही कहते हैं ना विवादों से जिनका शुरू से नाता रहा हो वो बच नहीं सकते इस चीज़ों से अब इस तरह की हरकतें अगर कर डाली है तो विवाद तो होना ही है अब आगे देखिए ये अपनी गलती मानते हैं कि नहीं मानते हैं आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो पे हम आपसे जल्द मिलते हैं तब तक लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अपनी राय कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा लव यू ऑल